तो हे गाइस, मैं हूं केके जेड और आप देख रहे हैं फ्रेंड मेरा चैनल केके जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड, यदि आप एक सीएससी संचालक हैं फ्रेंड और सीएससी के थ्रू फ्रेंड आप यदि आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं या फिर आउटसाइड भी आप अपना आधार सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं फ्रेंड, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा फ्रेंड, क्योंकि आज वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे जो है कि यदि आप आधार ऑपरेटर या फिर आधार सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं फ्रेंड, तो उसमें कौन कौन से जो आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपको लगने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि फ्रेंड 2023 है और यहाँ पर नया ईयर है और नया डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है, नए नए चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। कितना फीस लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो पर चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो हमारे वेबसाइट kkzproductionsurface.in पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आधार सुपरवाइजर रिगार्डिंग या फिर सीएससी के रिगार्डिंग जो है पोस्ट ऐड करते रहते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले आपको एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है फ्रेंड google.com। सिंपली तरीके से google.com सर्च कर लेना है। google.com आप सर्च करेंगे, इसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली तरीके से आपको लिखना है एनसीआईटी, ठीक है, एनएससीआईटी आपको सर्च करना है, याद रखिएगा फ्रेंड एनएससीआईटी। जैसे सर्च करेंगे तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर देखिए आपको आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड nscitexam.com, ठीक है। तो देख सकते हैं ये एनएससीआईटी एग्जाम साइट फॉर रजिस्ट्रेशन आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम, ठीक है। तो फ्रेंड ये आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर एग्जाम के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एनएससीआईटी जो है कंडक्ट कराती है। जो भी आधार के थ्रू एग्जाम लिए जाते हैं उसको एनएससीआईटी ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो फ्रेंड इसके ऊपर आपको सिंपली तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं एनएससीआईटी का ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आप आ जाएंगे फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड, एंड देन यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको क्रिएट ए न्यू अकाउंट करके आपको अपना साइन अप करना पड़ेगा। देन आपको फ्रेंड यहाँ पर अपना सिंपली तरीके से जो रजिस्ट्रेशन है आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर के एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज हैं, कौन कौन सी चीज़ें लगनी है, और रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें जो है प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन है, पूरी की पूरी चीज़ें मैं इंस्ट्रक्शन एक एक करके बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन फ्रेंड आप यदि वीडियो देख लेते हैं तो आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर रजिस्ट्रेशन आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा फ्रेंड। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपका कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसके बाद फ्रेंड आपका जो रजिस्ट्रेशन होल्ड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्राउजर के थ्रू मैं थोड़ा सा इसकी जो साइज़ है उसको बड़ा कर लूँगा मैं, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये जो मेंशन रेड कलर के जितने मेंशन है वो सब कवर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर। ये जितने भी आपके पास जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं इन्हीं में आपका कवर होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है फ्रेंड, फर्स्ट नंबर पर देखिए, ए कैंडिडेट मस्ट चेक रिक्वायर्ड हैव टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आधार। आधार कार्ड, आधार मतलब आप आधार सुपरवाइजर के एग्जाम देने से सबमिट करने से पहले आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें फ्रेंड। ऑपरेटर्स सुपरवाइजर्स एंड आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन थ्रू ऑफ एनएससीआईटी लिमिटेड, ठीक है। तो ए पॉइंट बताया गया है फ्रेंड, देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव हर लेटेस्ट मोबाइल नंबर रजिस्टर इन आधार इन ओटीपी वेरिफिकेशन। मतलब फ्रेंड आपको अपने आधार कार्ड के अंदर जो है आपको लेटेस्ट मोबाइल नंबर अपडेट करा के रखना है फ्रेंड। लेटेस्ट मींस मतलब आपका आपके पास वो फोन यदि है फ्रेंड और आपने आधार कार्ड नंबर अपडेट करा लिया है, मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करा लिया है, तो आपको नया अपडेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके पास जो आधार कार्ड के अंदर जो भी नंबर आपने रजिस्टर करवाया है अपना मोबाइल नंबर, वो आपके पास फोन आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्योंकि वहाँ पर जो है जब आप आधार सुपरवाइजर के एग्जाम या ऑपरेटर के एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे अभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर जो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा फ्रेंड, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है फ्रेंड, ठीक है। तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो आप यदि अपडेट नहीं कराए हैं तो आधार सेंटर में जाइए और अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए। बी पॉइंट है फ्रेंड, कैंडिडेट मस्ट हैव अपलोड हर इज लेटेस्ट फोटोग्राफ इन आधार इन ए लास्ट 3 मंथ फॉर ए वेरिफिकेशन ऑन द एग्जाम डेट। मतलब फ्रेंड आप यदि बहुत पहले का, यदि आपके आधार कार्ड में बहुत पहले का फोटो आपका लिया गया है तो आप आधार सेंटर में जाइए और 3 महीना के अंदर का फोटो जो है आप वहाँ क्लिक अपडेट करवाइए अपना फोटो। क्योंकि फ्रेंड रीज़न ये है कि आप यदि पुराना, हो सकता है 4 साल 10 साल पुराना आपका फोटो लगा हुआ है, तो फ्रेंड जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो उस समय उन्हें वेरिफिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि आपका फेस उनसे मैच नहीं करेगा तो आपको एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। तो आप अपना आधार कार्ड के अंदर जो फोटो है फ्रेंड, फोटोग्राफ होता है जो कि डेमोग्राफी अपडेट के अंदर आता है, तो आप वहाँ पर जाके चेंज करवा लीजिए फ्रेंड आधार सेंटर में, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड सी ऑप्शन है, कैंडिडेट आधार नंबर शुड नॉट बी
ब्लॉक लिस्टेड बाई द एनी इन्वॉल्वमेंट एजेंसी और यूआईडीआई, ठीक है। मतलब आपका फ्रेंड जो है आधार कार्ड जो है किसी भी कारण से ब्लॉक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। मीन्स कि आप कोई आधार अपने आधार के थ्रू कोई इलीगल काम ना करते रहे, इलीगल, क्योंकि इलीगल काम करते करते फ्रेंड कभी क्या होता है कि आपका आधार कार्ड जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा आपका इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपका आधार कार्ड फ्रेश होना चाहिए और कोई भी उस पर इलीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए जिसके कारण आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाला गया हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन है फ्रेंड, कैंडिडेट मस्ट मस्ट बी एन 18th ईयर्स इन एज पर आधार। तो मतलब आपका जो फ्रेंड एज होना चाहिए मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, या तो आधार 18 साल या 18 साल से ऊपर होना चाहिए। विथ डॉक्यूमेंट किसके साथ, मतलब आधार कार्ड के साथ फ्रेंड। मतलब आधार कार्ड के अंदर फ्रेंड आपका जो एज है वो 18 साल या 18 साल से अधिक होना चाहिए, तभी आप ऑपरेटर जो एनएससीआईटी के द्वारा जो आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम जो है आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और अपना एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आधार सेंटर, जो भी मतलब एग्जाम सेंटर है एनएससीआईटी के, जहाँ पर आप आधार का एग्जाम देते हैं, आधार सुपरवाइजर आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेते हैं तब, ठीक है फ्रेंड। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में देना है। इसके बाद ई ऑप्शन है फ्रेंड, ई पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव मैक्सिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द सेलेक्टेड सेलेक्टेड सर्टिफिकेशन रोल। मतलब फ्रेंड जो भी कैंडिडेट आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का एग्जाम देने वाला है फ्रेंड, उसके पास कम से कम मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। मीन्स कि फ्रेंड उसे 10th या 12th तो पास होना ही चाहिए। इससे नीचे यदि आप पास नहीं होंगे, 8वीं पढ़े होंगे, तो फ्रेंड आपको जो है कि आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, क्योंकि आपको इन सब डॉक्यूमेंट को जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और उनको वेरिफिकेशन, जब आप आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम देने जाएंगे वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होगा। यदि आप वेरिफिकेशन को फुल फिल नहीं करेंगे तो आपको वहां एग्जाम पे बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को याद में आपको रखना है कि 10th और 12th तो कम से कम पास आपका होना चाहिए, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड एफ है, एफ पॉइंट है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए लेटेस्ट कॉपी ऑफ द आधार डाउनलोडेड आफ्टर द 1 मार्च ऑफ 2019, मतलब 2019 फ्रॉम ए हैव द ई आधार डॉट यूआईडीआई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन और आधार लेटर विद लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है फ्रेंड। मतलब कहने का मतलब यह है कि फ्रेंड आपका जो ई आधार कार्ड है फ्रेंड डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। मतलब कब से, मतलब मार्च 2019 के बाद का जो है कि फ्रेंड आपके पास जो ई आधार कार्ड डाउनलोड का जो है ऑप्शन है वो होना चाहिए फ्रेंड। तो इसके लिए आप फ्रेंड इस वेबसाइट के अंदर आप जाकर जो आधार के ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से अपना ई आधार कार्ड जो है आप डाउनलोड कर लें फ्रेंड। उससे पहले आप अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर करवाएं फ्रेंड। जब तक मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाएंगे तब तक आप खुद से अपना आधार कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वहीं से आप जो है कि ई आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको 1 मार्च 2019 के बाद का ही ई आधार कार्ड डाउनलोड करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, और फ्रेंड कैसे आधार कार्ड डाउनलोड करना है सब वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड। तो आप हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिए फ्रेंड जी पॉइंट है आपके पास, कैंडिडेट मस्ट हैव आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई केवाईसी एक्सएमएल फाइल एंड सीआर कोड डाउनलोडेड फ्रॉम, देख सकते हैं फ्रेंड, माई आधार डॉट यू आई डी आई डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें क्या है कि आपको जब आप आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का एग्जाम का फॉर्म सबमिट करेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है, जब आप लॉग इन करके यहाँ सबमिट, जब अपना आप फॉर्म सबमिट करेंगे ना फ्रेंड, तो इसके लिए फ्रेंड आपको एक्सएमएल फाइल मांगा जाएगा वहाँ पर, ठीक है, जो कि ऑफलाइन केवाईसी का काम करता है, ठीक है। ऑफलाइन केवाईसी मीन्स कि फ्रेंड वो एक्सएमएल फाइल होता है, आपको पता होगा कि एक्सएमएल फाइल होता है करंट में डाटा को अपडेट करता है, ठीक है। मतलब डाटा को अपडेट करता है, मतलब ऐसा कुछ फाइल होगा जो कि आपका जो एक्सएमएल फाइल, आपको पता होगा कि एक्सटेंशन मैकअप लैंग्वेज फाइल होता है, ठीक है, जैसे एचटीएमएल फाइल होता है, ठीक है, एक्स एचटीएमएल फाइल होता है, वैसे ये भी फाइल होता है, ठीक है। लेकिन एक मतलब डाटा अपडेट का फाइल होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है फ्रेंड, ऑफलाइन केवाईसी मींस कि आप फ्रेंड जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, जैसे कि ई आधार कार्ड हुआ फ्रेंड, इसमें आपका हूबहू जो है पेपर के थ्रू डायरेक्ट ही आपका आधार का जो जितना भी वेरिफिकेशन है वो कर दिया जाता है, और डायरेक्ट ही किसी भी पर्सन को आपको डायरेक्ट ही आपका जो 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 भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट देख लिया जाता है। लेकिन फ्रेंड जो आपका एक्सएमएल फाइल होता है उसमें वही पर्सन आपका जो फाइल देख सकता है जो कि उसके लिए अप्रूव हो, ठीक है। तो ई केवाईसी जो एक्सएमएल फाइल हो आपको आधार के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फ्रेंड। यदि आप इसको डाउनलोड नहीं करना जानते हैं तो आप उसका वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें फ्रेंड आपको एक शेयर कोड देना पड़ेगा, एक पिन नंबर देना पड़ेगा 4 डिजिट का, उसके बाद ही आप जब फॉर्म भरेंगे उस समय आपको शेयर कोड भी शेयर करना पड़ेगा और एक्सएमएल फाइल को भी अपलोड करेंगे जो ई केवाईसी पेपरलेस ई केवाईसी का काम करता है। तो जब आप शेयर कोड जब
आप NSTIT को शेयर करेंगे तो ऑफलाइन आपका KYC जो आप कोड दिए रहेंगे उससे आप पता कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये सिक्योरिटी पर्पज के लिए किया जाता है फ्रेंड, ताकि आपके डॉक्यूमेंट का कभी कोई मिसयूज ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आपका एच पॉइंट है, ए कैंडिडेट मस्ट हैव ए रीड, ठीक है, रीड ए हैंडबुक ऑफ द इको सिस्टम पार्टनर अवेलेबल्स अंडर द हेडिंग ए न्यू टेस्ट स्ट्रक्चर एप्लीकेबल्स फ्रॉम ए 10 जनवरी 1922 ऑफ फॉलोइंग वेब पेजेस, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि आधार का जो नया पैटर्न आया है एग्जाम के लिए, ठीक है, कि कैसे एग्जाम लेना है या फिर उसका जो टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं जो कि 10 जनवरी 2022 को अपडेट हुआ है। तो ये UIDAI की ऑफिशियल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, इसमें ट्रेनिंग वाला जो पॉइंट है, आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे आपका जो एग्जाम है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा आधार सुपरवाइजर के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, आई ऑफ पॉइंट है, मस्ट हैव ए रीड एंड टेस्ट स्ट्रक्चर एंड पासिंग परसेंटेज फॉर ए रोल ऑफ द ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर एग्जाम्स, ठीक है, अवेलेबल। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, इसका भी जो है कि एक टेस्ट स्ट्रक्चर कैसा आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए लिया जाता है और कितना पासिंग मार्क होता है वो बताया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस PDF को भी जाके आप पढ़ सकते हैं, जो कि ऑफिशियली UIDAI के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा आपको, कि कितना मार्क्स चाहिए आपको, कैसे आपको अपना जो एग्जाम स्ट्रक्चर होता है, टेस्ट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ आपको बताया जाएगा। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट ही आप ऑफिशियल वेबसाइट UIDAI की, इस पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। और फ्रेंड देखिए, यहाँ पर जो है जे है, देख सकते हैं, कैंडिडेट हु हैज स्पॉन्सर्ड बाय द एनी एक्टिव इनरोलमेंट एजेंसी अलोंग हैज सॉल्व रजिस्टर फॉर ए द एग्जाम हैज ए UIDAI और NSTIT हैज ए डज नॉट हायर ऑफ द इंक्रीज एंड एनी सर्टिफाइड ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर डायरेक्टली। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड, आपको इसी तरीके से जो है कि अब एग्जाम पास करके ही आप जो है कि मतलब आधार का काम कर सकते हैं, अदरवाइज और किसी भी तरीके से आप आधार का काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड देख सकते हैं फ्रेंड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू मेक ए ऑनलाइन टेस्ट एंड री टेस्ट फीस पेमेंट। मतलब फ्रेंड जो है कि आपका जो जो जब आप NCERT की वेबसाइट में, जो NSCERT की वेबसाइट में जब आधार सुपरवाइजर एग्जाम दे फिल करेंगे फ्रेंड फॉर्म को, तो फ्रेंड आपको ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करना है, जिसमें कि आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। वो आपका एग्जाम टेस्ट के लिए भी यूज़ होगा फ्रेंड, आप अपना एग्जाम फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड आप रीटेस्ट, मतलब आप एग्जाम में फेल हो गए हैं किसी कारण से, तो आप रीटेस्ट की फीस भी इसी तरीके से पैड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बातें आपको बता दी फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें जो है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करने की कोशिश करूंगा, जो पॉइंट वाइज पॉइंट है, ठीक है, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर देखते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन है, कैंडिडेट है सेलेक्ट ए लेवल ऑफ द एग्जाम एग्जाम रोल UIDAI सर्टिफिकेट फॉर द ECMP ऑपरेटर ऑपरेटर सुपरवाइजर ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट क्लाइंट, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो यहाँ पर एग्जाम का लेवल बताया जा रहा है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड, आप यदि 75 नंबर से नीचे लाते हैं तो फ्रेंड आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, और आप 75 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आपको आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। तो आधार यदि यदि आप 75 नंबर से नीचे लाते हैं तो ऑपरेटर का, तो ऑपरेटर में फ्रेंड आप आधार अपडेट का ही सिर्फ काम कर सकते हैं। और फ्रेंड यदि आप 75 से ऊपर नंबर लाते हैं तो आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें कि आप आधार ऑपरेटर का भी काम कर सकते हैं और फ्रेंड आधार इनरोलमेंट का भी काम कर सकते हैं, मतलब आधार अपडेट इनरोलमेंट दोनों का काम कर सकते हैं। और आधार सुपरवाइजर के एग्जाम में फ्रेंड 100 क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड यदि इसका आप MCQ क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए फ्रेंड, वहां पर हमारा पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है आधार सुपरवाइजर के रिगार्डिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप वहां से भी देख के आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं फ्रेंड। देख सकते हैं फ्रेंड, मतलब आप चाइल्ड, मतलब चाइल्ड देख सकते हैं, लेवल बताया जा रहा है कि फ्रेंड आप चाइल्ड का जो आधार इनरोलमेंट का काम है उसको भी करेंगे, लेकिन उसके ऑपरेटर का करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ऑपरेटर के लिए है, बाकी एग्जाम का लेवल यही है फ्रेंड, कि आप 75 नंबर से ऊपर नीचे लेके आते हैं, ऊपर आएंगे तो आपको सुपरवाइजर का मिलेगा, नीचे आएंगे तो आपको फ्रेंड आपको यहाँ पास ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन है, कैंडिडेट है वे सेलेक्ट फॉर द सेलेक्ट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एनरोलमेंट एजेंसी कोड एग्जाम एग्जाम रोल एग्जाम लैंग्वेज ईमेल आईडी प्रिफर्ड टेस्ट सेंटर्स एंड सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट मस्ट हैव सेलेक्टेड दोज करेक्टली हैज देयर इज अ नो प्रोविजंस ऑफ चेंजिंग द सेलेक्टेड, ठीक है, सेलेक्शंस
एक्सेप्टेड फॉर द प्रिपेयर्ड टेस्ट सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म इज टू सबमिटेड। ठीक है, मतलब ये बोला जा रहा है फ्रेंड कि आप जो भी एनसीईआरटी का जो अभ्यास का फॉर्म आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन, ठीक है फ्रेंड, तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर फिल करनी है फ्रेंड, क्रैक फिल करनी है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एनरोलमेंट एजेंसी एग्जाम रोल या फिर एग्जाम लैंग्वेज ईमेल आईडी प्रिपेयर टेस्ट सेंटर, ठीक है, तो आपको फ्रेंड सब कुछ केयरफुली आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा फ्रेंड, क्योंकि यदि एक बार भी आपने वहाँ पर गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपका वहाँ पर चेंजिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वहाँ पर जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर सर वेरिफिकेशन में आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको हूबहू आपका डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वही चीज़ आपको फिल करनी है फ्रेंड। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, ए कैंडिडेट मस्ट सेलेक्टेड रजिस्ट्रार कोड हैज रिसीव्ड टू द देम बाय द एनरोलमेंट एजेंसी। इन केस द कैंडिडेट इज नॉट अवेयर ऑफ द रजिस्ट्रार कोड दे शुड वे कॉन्टेक्ट द रिस्पेक्टिव एनरोलमेंट एजेंसी बेस्ड ऑन ए कोड सेलेक्टेड। ठीक है, एक्यूरेट सेलेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार कोड इज अ मैंडेटरी। मतलब फ्रेंड यदि आपको रजिस्ट्रार कोड यदि नहीं मिल रहा है तो आप एनरोलमेंट एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रार कोड ऐड करना, इस चीज़ को याद में रखना है आपको। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम रजिस्ट्रार कोड नहीं मिल रहा है तो एनरोलमेंट एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पांचवा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एनी कैंडिडेट अटेम्प्ट टू रजिस्टर विद द इनकरेक्ट रजिस्ट्रार एनरोलमेंट एजेंसी डिटेल्स विल बी डिक्लेयर्ड ए परमानेंटली एग्जाम फीस पेड बाय सच ए कैंडिडेट विल बी ए। ठीक है, तो मैक्सिमम 6 सक्सेस अटेम्प्ट आर अलाउटेड फॉर ए सिलेक्शन द करेक्ट करेक्ट कोड द पोस्ट रीच विल लॉग इन विल बी ए ब्लॉकेड एग्जाम फीस पेड सर्च है कैंडिडेट विल बी फॉरगेट। ठीक है, तो फ्रेंड बोलने का मतलब यह है कि फ्रेंड आपको रजिस्ट्रार कोड मैक्सिमम 6 बार फिल करने के लिए दिया जाएगा फ्रेंड, यदि आप 6 बार से ज़्यादा गलत फिल कर देते हैं, 6 बार आपको चांस दिया जाएगा, गलत फिल करते हैं तो फ्रेंड आपका जो है कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। और फ्रेंड यदि आपने जो पेमेंट कर दिया होगा तो पेमेंट करने के बाद फ्रेंड जो है कि आपका पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा यदि आप ऐसी गलती करते हैं रजिस्ट्रार कोड में तो। ठीक है, तो आपको फ्रेंड अच्छे से फील करना है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये जो आपका एनरोलमेंट एजेंसी है फिर रजिस्ट्रार कोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से फील करना है फ्रेंड। यदि आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यदि आप गलत कर रहे हैं तो फिर आपका पेमेंट रिसीव मतलब रिफंड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। छठवा पॉइंट है फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशनल डॉक्यूमेंट एज पर द एजुकेशन लेवल सेलेक्टेड इन द एजुकेशनल लेवल ड्रॉप डाउन। ठीक है, एंड ऑल्सो अपलोड द ऑथराइजेशन लेटर्स हैज प्रोवाइडेड टू देम बाई द रिस्पेक्टिव एनरोलमेंट एजेंसी। मतलब फ्रेंड आप जो भी अभी जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आधार सुपर ऑपरेटर एग्जाम का, तो उसमें फ्रेंड जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, जो भी आप यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन के अंदर जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट आप जो भी सेलेक्ट करेंगे, जैसे 10th सेलेक्ट कर रहे हैं, 12th सेलेक्ट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फ्रेंड आपको जो डॉक्यूमेंट आपको जो यहाँ पर सबमिट करना है तो फ्रेंड उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कितना साइज का होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, द डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी लेजिबल, मतलब आपका फ्रेंड जो डॉक्यूमेंट है वो मतलब ब्लर्गी वगैरह नहीं होना चाहिए, साफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जो आप एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे अपना। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है, द मैक्सिमम फाइल साइज कैन बी 1 MB और मिनिमम 50 KB, मतलब आपको फ्रेंड 50 KB से ऊपर ही फाइल आपका होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आप ऐड करने वाले हैं, और अधिकतम फ्रेंड 1 MB से नीचे ही होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट कैन बी द फाइल टाइप PDF, JPG, JPG, PNG ओनली। फ्रेंड जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे या तो PDF होना चाहिए, JPG या PNG होना चाहिए, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फिर इन केस इनकरेक्ट अपलोड ऑफ फाइल और इलीगल, ठीक है, देख सकते हैं इलिजिबल फाइल इज डिटेक्टेड द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड कैंडिडेट लॉग इन विल बी ब्लॉकेड। मतलब फ्रेंड आप कोई भी डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट या फिर ब्लर्गी वगैरह फील करते हैं, ब्लर्गी वगैरह अपलोड करते हैं तो फ्रेंड आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके लॉगिन आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये सब चीज़ें काम करनी है। ठीक है, सातवां पॉइंट है फ्रेंड, आप देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट एनी ई आधार, ठीक है, तो डाउनलोडेड फॉर्म फ्रेंड देख सकते हैं, आपका UID सब डाउनलोड कर सकते हैं, आधार लेटर विद लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है, इन कॉपी ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है, एडमिट कार्ड मैक्सिमम। ठीक है फ्रेंड, ये बताया जा रहा है, इस चीज़ को समझिएगा आप फ्रेंड, आपको जो है कि अपने मोबाइल फोन के अंदर फ्रेंड जो आप लेटेस्ट ई आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मतलब आपको आपको ई आधार कार्ड तो आपको डाउनलोड करना ही है, XML फाइल तो आपको डाउनलोड करना ही है, ठीक है, और फ्रेंड आपके मोबाइल के अंदर भी आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, देख सकते हैं एग्जाम डेट फॉर
कैंडिडेट वेरिफिकेशन पर्पज, मतलब आपको अपना ई आधार कार्ड अपने मोबाइल पे होना चाहिए आपका, फिर आपका जो XML कोड है उसे भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका एडमिट कार्ड आपके स्मार्टफोन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे सेंटर के अंदर तो फ्रेंड आपका जो है कि वहीं से वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके मोबाइल के थ्रू, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कुछ यहाँ पर बताया भी गया है, एडमिट कार्ड और मिसमैच इन ए फोटोग्राफ प्रिंटेड ऑन ए ई आधार, ठीक है, लेटर्स एंड द कैंडिडेट, ठीक है, अपीयरेंस सी एज वेल द डिस अलाउ फ्रॉम द टेकिंग एग्जाम, मतलब आपका फ्रेंड यदि आपका आधार कार्ड ई प्रिंटेड है, थोड़ा सा इधर उधर मतलब प्रिंट है, सही ढंग से प्रिंटेड नहीं है, ठीक है, आपका फ्रेंड एडमिट कार्ड सही ढंग से प्रिंटेड नहीं है, आपका फोटोग्राफ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है एडमिट कार्ड के अंदर, या फिर आधार कार्ड का जो ई आधार कार्ड रहेगा उसके अंदर, तो फ्रेंड आपको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा, यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है, आपको इस चीज़ को ध्यान में देना है। इसके बाद फ्रेंड एक आठवां ऑप्शन है, रजिस्टर कैंडिडेट नीड टू कैरी ओरिजिनल ऑथराइजेशन लेटर एट द एग्जाम सेंटर, अदरवाइज दे विल नॉट बी अलाउटेड इन अपीयर्स इन द एग्जाम, मतलब आपको फ्रेंड जो रजिस्टर कैंडिडेट है फ्रेंड आपको ओरिजिनल जो ऑथराइजेशन लेटर होता है फ्रेंड उसे लेके जाना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर, अदरवाइज आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर लोग आपका वेरिफिकेशन करेंगे वहां जो भी बैठे रहेंगे, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है फ्रेंड। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड ये काफी इंपॉर्टेंट है, सब पूछते रहते हैं, तो फ्रेंड देख सकते हैं जो फीस की बात है कि कितना फीस लगता है आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम के लिए, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर आपको बताया गया है टेस्ट फीस ऑफ रेट, ठीक है, 470.82 रुपये, ठीक है फ्रेंड देख सकते हैं 470.82 रुपये लगने वाला है, जिसमें फ्रेंड आपका 399 रुपये तो आपका फीस चार्ज होगा, उसमें से आप 18% जो होगा गवर्नमेंट GST होगा, इस चीज को याद रखना है फ्रेंड, ठीक है, तो आपका टोटल 470.82 रुपये लगने वाला है, ठीक है, एंड रीटेस्ट फीस रेस 235.41 रुपये लगेगा फ्रेंड, जिसमें कि आपका 99.50 रुपये आपका फीस होगा और 18% GST होगा गवर्नमेंट का, तो इस चीज को याद रखना है फ्रेंड, रीटेस्ट का आपके पास 236 रुपये मानिए फ्रेंड लगेगा टोटल, ठीक है, हैज टू बी पेड यूजिंग द ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है, देयर इज अ नॉट नो एडिशनल बैंक चार्ज फॉर यूजिंग फॉर द ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज, मतलब फ्रेंड आप जो है कि ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू इन पेमेंट को आप पेड कर सकते हैं, चाहे ओरिजिनल टेस्ट का हो चाहे आपका रीटेस्ट का हो, रीटेस्ट फ्रेंड तब कंडीशन में अलाउ होगा जब आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठते हैं, नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, तो फ्रेंड आपका जो है कि रीटेस्ट के अंदर आएगा, तो आप दोबारा इतना पेमेंट फीस करके आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और फ्रेंड आप जब पेमेंट सक्सेसफुली ऑनलाइन कर देंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिशन हो जाएगा, और फ्रेंड इसके लिए कोई बैंक के द्वारा कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। 10वां पॉइंट है फ्रेंड, द रीटेस्ट फीस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द केस, ठीक है, वेयर इन द कैंडिडेट फेल और इन द एबसेंट ऑन द एग्जाम डेट, मतलब कहने का मतलब है फ्रेंड आपको ये फीस तभी पैड करना है, रिटेस्ट वाला जो आपका 235.41 रुपये है इसको तभी आप पैड करेंगे फ्रेंड जब आप एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम में, या तो फिर आप एबसेंट हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तब की केस में आपको अब इस फीस को पैड करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर 11वां पॉइंट है, एनी कैंडिडेट फाउंड द देख सकते हैं फ्रेंड इंड्यूज इन द देख सकते हैं फ्रेंड मिस प्रैक्टिस, ठीक है, मिस इंप्रेशन ठीक है, इम्प्रेशनलिफिकेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जाम हॉल विल बी डिबार्ड परमानेंटली, ठीक है, हज ए कैंडिडेट शाल नॉट द कंसिडर फॉर ए फ्रेश रजिस्ट्रेशन रीटेस्ट ऑल्सो इफ द कैंडिडेट इज द कैच गिविंग द प्रॉक्सी अटेंडेंस हीज और सी अलॉन्ग विद द पर्सन फॉर ए हुम एनी वेयर गिविंग प्रॉक्सी, ठीक है, वी विल बी डिबार्ड परमानेंटली विदाउट गिविंग एनी चांसेस और एक्सप्लेन देमसेल्फ, ठीक है, एग्जाम फीस पेड बाय सर्च कैंडिडेट विल बी है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि फ्रेंड यदि आप एग्जाम हॉल के अंदर किसी प्रकार का फर्जी काम कर रहे हैं, ठीक है, चूट कर रहे हैं, या फिर आप मिसबिहेवियर कर रहे हैं किसी भी वहाँ पर जो भी बैठे रहेंगे जो भी मॉनिटर उनके साथ यदि आप मिसबिहेवियर कर रहे हैं, प्रॉक्सी किसी प्रकार का प्रॉक्सी कर रहे हैं, प्रॉक्सी अटेंडेंस डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने एग्जाम की जगह में किसी और को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रेंड आपका जो है कि आधार कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा, और आपका जो पैसा है वो भी रिफंड नहीं किया जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है, तो आप खुद ही पेपर देने जाएं और अच्छे से पेपर दें, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड 12वां पॉइंट है, एनरोलमेंट एजेंसी इंटरेस्टेड टू परफॉर्म ए बल्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है,
बल्क ऑनलाइन पेमेंट एंड बल्क एग्जाम शेड्यूलिंग में भी कॉन्टैक्ट यूआईडीआई एचडी ट्रेनिंग पार्टनर। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर बल्क रजिस्ट्रेशन होता है, बल्क ऑनलाइन पर पेमेंट होता है या फिर बल्क एग्जाम शेड्यूल बनाते हैं फ्रेंड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड मैंने जो यहाँ पर सब कुछ बता दिया कि आपको आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर एग्जाम के लिए कौन कौन से आवश्यक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं या कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं, मैंने सब कुछ बता दिया फ्रेंड, ए टू जेड जानकारी दी थी। फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।